श्री कि आपने हमें अपने अंदर बैठा लिया, नहीं तो हमारी तो हड्डी पसली टूट गई होती। ये आवाज कैसी? पानी की आवाज होगी। ओ खुदा जी, ये लोग तो हमको मैड करके छोड़ेंगे, तदन मैड हो जाएंगा। दैट इज व्हाई यू नो आज हम सबको बुलाया ना, स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दिया कि देखो नो लफड़ा नो रोमांस नो लव। हम बहुत करक है, एकदम करक। आई एम नॉट गोइंग टू लीव एनीबॉडी एंड रियली दिस टाइम आई एम गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। अरे अपना कॉलेज है, लड़का लड़की का मीटिंग प्लेस थोड़ी है, एंड देखो नहीं जब तक अपुन स्ट्रिक्ट नहीं। मिस्टर शर्मा, मिस्टर वर्मा, वो देखो नहीं, और जंगली जानवर देखो कैसा खुला रखे बैठा। अरे इसको कोई समझाओ नहीं बेशरम को, मरे रहे इधर औरत लोग भी आता है ना, गधेरा खुला रखे। अरे क्या हुआ इस बार? अरे जोने पहनो कबूतर टॉम है तो उसके भी गंदी हालत ना। अरे तू मंकी बनकर औरत लोग का देखने का चीज नहीं है। ने तुम क्या मजा लेता है, पकड़ उसका टाई ने बॉल फेंक। आप इतना क्रोधित क्यों हो रही हैं महिला श्री? अरे सोफे के ऊपर बैठना कोई पाप तो नहीं है? अरे गधेरा देखो नहीं तुम किने बैठा है। अरे सोफे के ऊपर बैठे हैं। अरे गेल राजगद्दी के ऊपर बैठा है। राजगद्दी? तोरी चाटना उसको कुछ बोल ले। कपड़ा? अरे उसको बोल उसका पाटलून तो चढ़ाने को बोल ले। पाटलून तो चढ़ा हुआ? अरे पाटलून चढ़ाने दिखने को जा रहा हूँ। पाटलून? पाटलून तो चले लाए, पन वो बेजेरा था तो कितना सिली दिखता था। माफ करना, हम समझे थे कि कमरा है। अपमान, घोर अपमान। सोचा था कि पहुंचेंगे विद्यालय और पहुंच गए शौचालय। अरे पर ऐसा भी क्या हुआ कि तुमको ध्यान भी नहीं था कि तुम किधर बैठा था? अरे
बाहर एक कन्या श्री ने आंख मारी, हम हड़बड़ाए के भागे, धक्कम पेल के अंदर अंदर पहुंच गए शौचालय में। अरे एक लड़की ने आंख मारा उसमें तुम राजगद्दी पे जाके बैठ गया, अगर दूसरी लड़की आंख मारेगी तो तुम क्या करेगा? अरे तब तो हम राजगद्दी के अंदर ही घुस जाएंगे। तो फिर घुस जाओ ने डार्लिंग। मिट्टू छे मिट्टू छे। हाय 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 हाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कॉलेज का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, आप सबको कॉलेज का नया साल मुबारक हो। जय हिंद। जय हिंद। क्या बात है यार, अरे कल तो कॉलेज में कितनी लौड़ी आई हुई है, बाप मजा आ गया। चल आ जा चल। अबे चने क्या कर रहे हो यहाँ पे, चल चल निकल यहाँ से, चल रिपोर्ट अबे देखा इस बार कॉलेज क्या चकाचक हो गया है। क्या पॉलिश किया यार, अरे नया नया हैंडल भी लगा ला यार, और ये टपोरी लोग ने ताले भी लगवा लिए। अबे ये सब मेरे बाप ने दिए ला क्या, और जब तक मेरा बाप जिंदा है ना तुम लोग सब ऐश करो यार। जियो। अबे देखो देखो किसी साले ने ताला कितना खूबसूरत लगा रखा। हर खूबसूरत चीज कमजोर होती है, देखा टूट गया ना। देखो तो सही साले ने क्या माल अंदर छुपा रखा। बाहर निकालो बाहर निकालो। आओ बहन, लगता है किसी मोटे छोटे की है ये शर्ट, बदबूदार सड़ेली है। अरे अरे ये क्या बता मिसी, कौन है आप लोग, और ये मेरा सामान क्यों फेंक रहे आप लोग? मेरा ताला, मेरा ताला। किसने तोड़ा बे तेरा ताला? आपने तोड़ा मेरा ताला। आप बोल किसने तोड़ा मेरा ताला? अरे मेरा था, अरे टूट जाएगा भाई। गौर से देख बेटा और पहचान ले, मुझे रॉकी कहते हैं, रॉकी। मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट नहीं, सारे स्टूडेंट्स का बाप हूं, और बाप से नजरें मिलाओगे तो अंधे हो जाओगे। करो हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, फिर तुम्हें छेड़ने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसा लो आ गया, अब मैं छेड़ूंगा उन्हें। क्यों we
शादी पक्की हो रही है क्या? अबे नहीं यार, शादी नहीं, शादी वाली पक्की हो गई है। शादी वाली? आहा, क्या बात है उसमें? ऐसी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। अच्छा चल तू फेंक, मैं लपेटता हूँ। क्या चीज है यार, आंखें आंखें मीना कुमारी की ले लो, ले ली। मुस्कुराहट मधुबाला की ले लो, ले ली। बदन बदन श्री देवी का ले लो, वो ले लिया। अंदाज अंदाज जया प्रदा का ले लो, ले लिया। और कटीलापन कटीलापन रेखा का ले लो, ले लिया। और इसमें माधुरी का बैक किक ऐड करके 1 2 3 4 मिला दो, ले लिया। अब घोटो। हाँ तो अब जो चीज तैयार होगी ना, हाँ वो मेरी महबूबा है। इतना बड़ा बिल्डअप किया, अबे साले तुझे फेंकने में गोल्ड मेडल क्यों नहीं मिला? इसके लिए कॉलेज में हम हड़ताल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। अबे मैं फेंक नहीं रहा यार, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा तो बोल उसका नाम क्या है? हम भी तो जाने कितना सही बोल रहा है तू। यार नाम तो नहीं मालूम। अच्छा ये बता कौन सी क्लास में पढ़ती है? यार ये भी नहीं मालूम। अच्छा वो रहती कहाँ है? एड्रेस मालूम है? यार ये भी नहीं मालूम। तो आपको पता क्या है?
शकरकंद। यार तुम लोग बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? एक ही तो झलक देखी है मैंने उसकी, उसका नाम पता सब मैं पता कर लूंगा। आज से ही चेक करना शुरू करता हूँ। पहला हमला गर्ल्स हॉस्टल। ये मारा लाला, मेरी बारी है। क्या यार दत्ता, तू यार कभी भी कोई किताब सही नहीं देगा यार। ये ले रख तेरी किताब तेरे पास यार। क्या है, क्या खेल रहा है तुम? देख देख लाइन मार रहा है। क्या यार, क्वीन फंसा दी मेरी यार। वो तो फंसने वाली है यार, ये दूसरी बार हो रहा है। तूने किताब फिर से? ओ रोमियो, कुछ होने वाला नहीं, ऐसा चश्मा लग जाएगा। चुप चुप। Oh my God! I soon जा रहा है। I soon जा। Good morning, Sony. Good morning. चलो जाओ अंदर, जाओ come on. अने तारु ना खोज जाए। इधर पढ़ने को आता है कि क्या line मारने को आता है? हैं? हम तुम्हारा complaint करेंगा। And but what is this? नहीं, ऊपर से लटका, खजूर में अटका। अई दूरबीन है ये तो। हैं? वहाँ से आई। आई आई। Hello. अई दूरबीन से पास आ गई मिस पालकी वाला। ओ घसुराम, तुम भी एक बोले लोकी माफक चालू हो गया क्या? ओ खुदा है, इस कॉलेज का स्टूडेंट तो स्टूडेंट प्रोफेसर भी बिगड़ रहा है। गॉड ओनली हेल्प। गॉड इज लव, लव इज गॉड। क्या से निम्मी, तो मैंने भी पकड़ के किस कर लिया। क्या आ रहा है यार? अरे सुनिए। मैं? हाँ हाँ आपसे ही कह रहा हूँ, जरा इधर आइए, इधर आइए ना, आइए 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 आइए। लगता है आप कॉलेज में नई नई आई हैं। जी। किस ईयर में? फर्स्ट ईयर में। ओह फर्स्ट ईयर, शायद आर्ट्स में होंगी। जी नहीं, साइंस में। ओह साइंस, साइंस, ओह साइंस। तो आप साइंस में हैं? वेरी गुड साइंस, नो डाउट। बड़ी स्वाइन। अरे देख 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 क्या लगा? छोड़ यार, देख अबे इधर नहीं उधर लगा। हाँ तू देख तो सही। अबे क्या देख रहा है मोटे? वो लड़की देख यार, क्या चीज है यार वो। अरे देख तो सही यार, तू भी यार। मर जा, मर साले। अरे वाह ये भी। अरे बहुत, अरे मुझे नहीं देख रहा। अरे क्या यार, तू मैं ना हटा क्या यार? कमाल है यार। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे हटा यार। हाँ या, देना यार। अरे देखने देना यार, छोड़ यार। अरे वाह तू। हाय गर्ल्स। ए ये सब क्या है? चल अपना सामान उठा, मेरा बिस्तर गंदा मत कर। भगवान करे तेरा बिस्तर कोई गंदा ना करे। अरे मिल गई रे, मिल गई रे, मैंने तुम लोगों को बताया था ना। पहले मेरे को देखने दे यार। किधर? प्रवीण प्रवीण देख पूजा का आशिक। ए पूजा देख तेरा आशिक। अरे वही जिसके बारे में बताया था। देखने दे यार। अबे इसी हॉस्टल में रहती है। अरे मुझे ऐसे सड़क छाप आशिक की बिल्कुल जरूरत नहीं। उधर देखो वो रोमियो उधर बैठ के लाइन मार रहा है और तुम लोग मेरे से जॉगिंग करा रहे हो। शर्म नहीं आती तुम लोग को? कौन मैं? नहीं वो मैं नहीं यार, बाजू वाली। अच्छा अच्छा पूजा, ओ पूजा देख कैसे इशारा कर रहा है। ये मजनू तो दीवाना भी हो गया। प्रेमी आशिक आवारा, पागल मजनू दीवाना। प्रेमी आशिक आवारा, पागल मजनू दीवाना। मोहब्बत में ये नाम हमको मिले हैं, तुम्हें जो पसंद हो अजी फरमाना। दिल जाना प्रेमी आशिक आवारा, पागल मजनू दीवाना। अरे
हसीना दीवानी न दिल ऐसे धड़का के जा न दिल ऐसे धड़का के जा माना है तू हर हसी से हसी होगा न हमसा भी दूजा कहीं होगा न हमसा भी दूजा कहीं फरमाना दिल जाना प्रेमी आशिक आवारा पागल मजनू दीवाना फरमाना दिल जाना प्रेमी आशिक आवारा पागल मजनू दीवाना प्रेमी आशिक आवारा पागल मजनू दीवाना बहुत बेहतरीन लाता है यार इस बात में तो दम है तो ला फिर हमारा भी माल निकाल ये ले तेरा माल सही है ना चल और माल चाहिए तो बोलना ओके चलो अब आएगा मजा रॉकी क्या रखा है लॉकर में कुछ भी है तेरे को मतलब तुमने उसमें ड्रग्स रखे तू जाता है कि नहीं यहां से हां रॉकी देख तू बहुत बुरा कर रहा है ड्रग्स सिर्फ नशे की चीज नहीं बल्कि सफेद जहर है जिससे तू कॉलेज के लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर देना चाहता है मगर मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा अच्छा यहां क्या तेरे बाप का राज है जो तू मुझे रोकेगा चल जा जा शानाबान देख रॉकी मैं कहता हूं अपने आप इसे निकाल के फेंक दे वरना मैं प्रिंसिपल साहब के हवाले कर दूंगा
बेटा ये कॉलेज जिस जगह पे बना है ना, वो जमीन मेरे बाप ने दी है, वो भी दान में। ये हमारी बहुत बड़ी जागीर का बहुत छोटा सा टुकड़ा है। इस कॉलेज में मेरा कोई एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता, तो तू क्या चीज है? मैं क्या चीज हूं सुनेगा? अगर तेरे पास जागीर है तो मेरे पास जिगर है। हमको मालूम था कि यहाँ कोई लफड़ा होने वाला है। तुम समझा कि हम गया? नहीं, हम तुमको सबक सिखाने के लिए वापस आया है।
बिजी है ये। सर इसके लॉकर में ड्रग्स हैं, जो ये स्टूडेंट्स को सप्लाई करता है। ये सच है? ये लीजिए सर। क्या ये? लॉकर की चाबी। लेके आओ उसे। अरे वाह, ड्रग पकड़वाने के लिए तुम गुंडों से भिड़ गए। तुम्हें अपने जानसरी की जरा भी चिंता नहीं। जान वही जो दूसरों के काम आए। फैबुलस। नमस्ते सर। अबे सर गया तेल लेने। तुझे 4 बजे फोन किया था आने के लिए, 6 बजे आ रहा है, 2 घंटे लेट। बैठे बैठे बदन में बहुत ज्यादा चर्बी हो गया जो तुझसे चला नहीं जाता। डैडी मैं जा रहा हूं। प्रिंसिपल के सामने शर्म आ रही है तुझे? क्यों लेट आया? कॉलेज बंद होने से पहले मैं कैसे आ सकता था? क्यों नहीं आ सकता था? तुझे मालूम है तुझे किसने बुलाया था? मैंने, तिवारी ने। जो कॉलेज खुलवा सकता है वो कॉलेज बंद भी करवा सकता है, समझे? और अगर एक बार फिर इलेक्शन हार गया तो क्या होगा? कुछ नहीं। कॉलेज की सेक्रेटरीशिप से तो कोई नहीं हटा सकता मुझे। क्यों लेट आया था? जिस वक्त आपका फोन आया मैं क्लास लेने जा रहा था। अगर क्लास छोड़ के आता तो आप जानते हैं कि कॉलेज का डिसिप्लिन। अरे बाहर में गया तेरा डिसिप्लिन, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। सर प्लीज। ये सर सर क्या लग रखा है इधर? सुन प्रिंसिपल, रॉकी मेरा बेटा, ये कॉलेज में ड्रग्स बेचे चाहे किसी का रेप करे, इसके लिए सब जायज है, समझ गया? और क्या नाम है उसका जिसने मेरे बेटे को मारा था? अजय। हाँ अजय। अजय को कॉलेज से बाहर निकाल देना, समझ गया? और अगर तूने अजय को कॉलेज से बाहर नहीं निकाला तो मैं तुझे कॉलेज से बाहर निकाल दूंगा, समझ गया? दारू पिएगा? नहीं? आउट। आउट। गुड इवनिंग सर। बैठो। क्या बात है सर? अजय, कल तुम कॉलेज से अपना नाम कटवा लो। क्यों सर? मुझसे कोई गलती हुई? नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? मैंने जो कहा है उसे मान लो। सर, कॉलेज में अगर आप आधे दिन की छुट्टी देते हैं तो उसका कारण बताते हैं कि छुट्टी क्यों दे रहे हैं। मुझे तो आप हमेशा के लिए निकाल रहे हैं सर, फिर भी आप। अजय, तुमसे जो कहा है उसे मान लो, और अगर नहीं मानोगे तो कल खुद ही तुम्हारा नाम कॉलेज से काट दिया जाएगा। ये तो जुल्म है सर। हाँ हाँ, ये जुल्म है। आप जानते हैं इसका अंजाम क्या होगा? जानता हूं। तुम कॉलेज में बहुत पॉपुलर हो, लड़के तुम्हारे फेवर में हड़ताल करेंगे तो कॉलेज बंद हो जाएगा, तोड़ फोड़ होगी, हंगामा होगा, पुलिस आएगी, लाठी चार्ज होगा, फायरिंग होगी। और रोसो मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। ये फैसला जिसने भी किया हो, लेकिन आपको तो हमारी तरफ से इस फैसले के खिलाफ बोलना चाहिए था। लेकिन आप तो बोलो बोलो कि मैंने उनकी चमचागिरी की, और अगर ये बोल भी दोगे तो ये झूठ नहीं होगा। लेकिन ये मत पूछना कि इसके पीछे मेरी मजबूरी क्या है। अजय, पहले के जमाने में गुरु दक्षिणा नाम की एक रस्म होती थी, जिसमें गुरु अपने शिष्य से जो चाहता मांग लेता था। अगर आज भी वो रस्म होती तो मैं तुमसे सिर्फ यही मांगता कि तुम खुद ही ये कॉलेज छोड़ के चले जाओ। आप द्रोणाचार्य से भी बड़े गुरु हो गए सर। उन्होंने तो एकलव्य का सिर्फ अंगूठा मांगा था, आपने तो मेरी जिंदगी मांग ली। मैं कल ही ये कॉलेज छोड़ के चला जाऊंगा। सॉरी प्रभाकर, आइए बैठिए। अरे मैं तो बैठ जाऊंगा, मुझे बैठने से कौन रोक सकता है? लेकिन तेरी कुर्सी पे बहुत सा गोंद गिर गया जो कुर्सी के साथ चिपककर बैठा हुआ है। कोई आए तो खड़ा भी नहीं हो सकता। देखिए आप, बस ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। हाँ ये बताओ, अजय को कॉलेज से निकाला कि नहीं? अजय कॉलेज से नहीं निकाला जाएगा। ये कॉलेज तेरे बाप का है? प्लीज आप जबान संभाल। अबे चुप, वरना खेत के जूते मारूंगा स्टूडेंट्स के सामने। अगर अजय को तुमने इस कॉलेज से नहीं निकाला तो इस कॉलेज से मैं तुझे यू निकाल दूंगा, यू समझे?
और फिर इस कॉलेज की कमेटी भी तुझे नहीं बचा सकेगी, इसलिए कि इस कॉलेज को सबसे ज्यादा डोनेशन मैंने दी है, मैंने 10 लाख। मिस्टर ब्रजलाल तिवारी, ये चेकबुक मैं तुम्हारे मुंह पर भी मार सकता था, लेकिन कीचड़ में पत्थर मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसमें 10 लाख रुपए का चेक तुम्हारे नाम का है, निकाल लो। कौन है आप? नागेश्वर। नागेश्वर? नागेश्वर तो बहुत है, कौन नागेश्वर? तुम्हारे बाप कितने हैं? जबान संभाल कर बात कीजिए। यही बात अभी अभी प्रिंसिपल साहब ने तुमसे कही थी और तुमने जवाब दिया था, अबे चुप, सारे स्टूडेंट्स के सामने जूता खींच कर मारूंगा। अब बताओ तुम्हारे कितने बाप हैं? एक। उसी तरह इस इलाके में सारे बदमाशों का एक ही बाप है, नागेश्वर। ओ, तो आप हैं नागेश्वर साहब। हुजूर, नाम तो बहुत सुना था लेकिन देखा नहीं था, इसलिए पहचान नहीं सका। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए। पांव पकड़ने हैं तो गुरु के पकड़ो, जिनके साथ तुमने बदतमीजी की है। सर, सर मुझे माफ कर दीजिए। तिवारी जी, गलती इंसान से ही होती है। हुजूर, ये आप ले लीजिए, मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए, और जो आप कहेंगे वही होगा, प्रिंसिपल साहब यही रहेंगे, इन्हें कोई नहीं हटा सकता, आप ये ले लीजिए। लेकिन तुम्हें इस कॉलेज की हद से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तुम वो तेजाब हो जो मिट्टी को भी जला देता है, उसे बांझ कर देता है, लेकिन मैं इस कॉलेज को बांझ नहीं होने दूंगा। दफा हो जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस कॉलेज को मरने से बचा लिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं आप ही के पास आ रहा था लीविंग सर्टिफिकेट लेने। मैं ये कॉलेज छोड़ के जा रहा हूं। नहीं, अब तुम इस कॉलेज से नहीं जाओगे, बल्कि रॉकी को इस कॉलेज से निकाला जाएगा। ये फैसला किसने किया? ये मेरा फैसला है, मेरा विश्वास करो। सर, अगर ये फैसला आपका है तो कल रात का वो फैसला किसका था जब मुझे कॉलेज छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था? वो भी मेरा ही था। ये दोनों फैसले किसी एक के नहीं हो सकते। नहीं, ये दोनों फैसले मेरे अपने हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कल रात का फैसला मेरी मजबूरी ने किया था और आज का यह फैसला मेरे सिद्धांत ने किया है। आपको मजबूर किसने किया था? मैं खुद मजबूर हो गया था। तलवार अगर गर्दन पे चलती है तो कसूर सिर्फ तलवार का नहीं, गर्दन का भी होता है, वो कट जाती है। ये मजबूरियां, ये कमजोरियां इंसान की अपनी होती हैं, इसके लिए हम किसी और को दोष नहीं दे सकते। बॉयज, इसका सामान इसके कमरे में पहुंचा दो। सर, मैं आपका फैसला मानूंगा मगर एक शर्त पर। क्या? आप रॉकी को कॉलेज से नहीं निकालेंगे। ए भाई चिये। क्या रे? मेरा नाम रॉकी है, मैं एमडीएस कॉलेज में थर्ड ईयर में पढ़ता हूँ। ये रे क्या बताता है साला, सीधा बोल काम क्या है? वो ऐसा है, कल मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। साला ऐसा लात मारेगा कि बाहर जाके गिरेगा, बकबक किए जा रहा है, बोल काम क्या है?
मेरे कॉलेज में एक लड़का है अजय, उसे खल्लास करना है। यही ना 30,000? नहीं नहीं, उसको जान से नहीं मारना है, उसके सिर्फ हाथ पांव तोड़ दीजिए। तो फिर 40,000। हाथ पांव तोड़ने के ज्यादा? और नहीं तो क्या। अरे जान से मारने के लिए क्या एक फटका मारा कि साला खल्लास, लेकिन हाथ पांव तोड़ने के लिए सोचने का जरूरत होता है कि नहीं। अरे गर्दन पर लग गया तो साला वही मर जाएगा, हाथ पांव कट जाएगा तो। 40,000, 20,000 एडवांस निकाल चल। चल फोट। अरे फोटा। मुझे मालूम था कि जिस खून में ड्रग्स का जहर फैल जाता है वो जल्द साफ नहीं होता, इसीलिए मैंने अपने आदमियों से कहा था कि तुम पर कड़ी नजर रखें। अब उनका आपस में कोई दुश्मनी नहीं, फिर दुश्मन के स्टाइल में एंट्री काहे को? हां तुमने इस लड़के से कितने रुपए लिए? 20,000। तुम वो 20,000 अपने पास रखो, लेकिन इसका काम नहीं करोगे। तुम अब उनका भाई शंकरा को तो जानता है ना, नाना चौक का दादा। अब उनका असूल भी उसके माफिक है, एक बार सुपारी लिया तो वापस नहीं करने का। अरे मार्केट में पैसा लेके काम नहीं किया तो अपना क्रेडिट खल्लास। क्रेडिट खल्लास का मतलब अपना धंधा खल्लास। तुम्हें दूसरा धंधा दे दिया जाएगा। पैसा लो, काम कर दो। आपन को इससे अच्छा धंधा और कोई नहीं लगता, क्योंकि ये प्योर मर्दों वाला धंधा है। ठीक है, तो फिर तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। जो मेरे फैसले के खिलाफ सर उठाता है उसका यही हश्र होता है। क्योंकि तुम एक विद्यार्थी हो इसलिए तुम्हें माफ किया जाता है। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। तुमने रूम को पेंट कर दिया ना, एकदम चिकना यानी कि स्मूथ बना दिया। वेरी गुड। ओके गॉड। मैडम, मैम, वापस कॉकरोच निकला। अंदर आके तो देखिए कमरे का क्या हाल बना हुआ है। क्या हुआ? चली देखने को देनी? क्या हुआ? सूट है यो? मैडम ये देखिए। सो क्यूट। ये देखिए। लवली। हमको तो पहले ही डाउट था कि डेफिनेटली पेंटर का ड्रेस में अजय ही होएगा। लेकिन लक्ष्मी बाई को तो रूम नहीं खोलना चाहिए था। अरे उसने तो रूम खोल के बहुत अच्छा किया। देखो उसने रूम का दरवाजा खोल दिया, तुम दिल का दरवाजा खोल दो। अरे इतना डेरिंग लवर किधर मिलेगा? हाउ स्टूपिड। ओ खुदा है, हमारा घसूराम को भी थोड़ा सा हिम्मत दियो नहीं कि वो भी हमारा दिल का दीवार पर एकदम मीठा मीठा लिखे। नहीं, ए, ए, घेल, आई डोंट लव यू,
समझो ने गधेरा। पूजा पूजा पूजा, क्या है? तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? नहीं। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम पागल हो। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब देखो ये पागल क्या करता है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का विषय है प्रेम श्री अर्थात लव श्री। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है। अब चाहे जो हो जाए, मैं दुनिया से अब न डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। मैं दुनिया से अब न डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, किया है मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है।
साइलेंस साइलेंस। बैठ जाओ चीफ के। बैठ जाइए आप लोग अपने अपने जगह बैठ जाइए। मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमारे मुख्य अतिथि श्री नागेश्वर जी हमारे बीच आ गए हैं। नमस्कार। वेलकम सर। धन्यवाद। मैं अपने कॉलेज की तरफ से मुख्य अतिथि जी का स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि ये यहां पधारे, और अपने स्टूडेंट से एक बात कहूंगा, कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत और लगन बहुत जरूरी है। इस साल के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड अजय को दिया जाता है। अजय की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अजय जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द आ जाए। अजय अजय जहां कहीं भी हो स्टेज पर आ जाए। अजय जहां कहीं भी हो स्टेज पर आ जाओ। अजय फौरन स्टेज पर आओ। अजय फौरन स्टेज पे आओ। भाई साहब वो लोग अवार्ड देने के लिए आपको ढूंढ रहे हैं, नाम ले रहे हैं बार बार, जाकर अवार्ड ले लीजिए, जाइए। वो अवार्ड अगर आपके हाथों दिलवाया जाता तो मैं जरूर लेता। आपने इस कॉलेज को 10 साल दिए हैं, उसने क्या दिया है आप ही बताइए। बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मैं किसी स्मगलर या दादा के हाथों से क्यों लूं? क्यों मूड खराब कर रहा है यार? देख तू छोड़ के आ गया, हम भी जैसा छोड़ के आ गए ना। चल बैठ गाड़ी चला। और क्या ये चल, सब चल, चल, बैठ। एक लॉन्ग ड्राइव के लिए जाएंगे, मजा आएगा। चल हाँ वेरी गुड। चल तू तो बैठ। तुम लोग चुप बैठो ना यार, तुम लोगों ने बहुत घुमा मजा किया। चल चल चुप बैठो तुम लोग यार। चल इधर से राइट ले, इधर से राइट ले। तेरे को आइसक्रीम, तू चल रहा है, तेरे को आइसक्रीम मतलब बहुत अच्छी आइसक्रीम। चल इधर से राइट ले। तुम लोग चुप बैठो यार। अब आएगा मजा। अरे देख देख ये बेवड़े हैं, इधर इनको संभाल यार, ये मर जाएंगे नहीं तो। अरे संभाल, अरे रे रे अभी मजा आ जाएगा। ब्रेक नहीं लग रही, ब्रेक नहीं लग रहा है। फेल हो गई थी। जवानी में अक्सर ब्रेक फेल हो जाया करती है, फिर भी मैंने कंट्रोल कर लिया था। पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए वरना ठोकर नहीं लगती। आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी कीमत हम चुका देंगे। अपनी किसी प्यारी चीज पर जब चोट का निशान लगता है तो दिल में दर्द जाग उठता है। पैसे से निशान तो मिट जाता है लेकिन दिल का दर्द नहीं मिटता। और कभी कभी दर्द मिट जाता है मगर निशान नहीं मिटता। मैं प्यार की बात कर रहा हूं। और मैं असूल की बात कर रहा हूं। तुमने कप नहीं लिया, मैंने कीमत नहीं ली, बात बराबर हो गई।
जाओ। मेरा लेटर है क्या? बच्चू तुम्हारा नहीं है। अजय 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 सब अजय की। अजय तुम्हारा लेटर। अजय 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 ये सब चिट्ठियां तुम्हारे नाम पे है भाई। इतनी चिट्ठियां? नहीं यार, तुम लोग जाओ, मुझे पढ़ना है। चल नीमो। अरे चल ना। हाँ चल। Hey!
चल गया। एग्जाम्स में सिर्फ एक महीना रह गया है, हम दोनों को स्टडीज में ध्यान देना चाहिए। नहीं नहीं, फिर सिर्फ प्यार करना चाहिए। प्यार व्यार मिलना जुलना सब बंद, ये मुझसे नहीं हो सकता, हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। ओके, जितने दिन तुम मुझसे नहीं मिलोगी उतनी तुम्हें मुझे पप्पियां देनी पड़ेंगी। डन, 30 दिन यानी कि एक महीना। ओके ओके, चीटिंग चीटिंग चीटिंग, तुमने एक पप्पी ज्यादा ले ली। अरे भाई कुछ महीने 31 के भी तो होते हैं। अब देख मजा तू। तुझे अब रॉकी कभी माफ नहीं करेगा और तेरा अंजाम बहुत ही भयानक और दर्दनाक होगा। पूजा, पूजा, आंखें खोलो पूजा, पूजा, पूजा।
मुझे नहीं मार रहा भाई, मुझे कुछ नहीं मालूम, सच्ची बोलता हूँ, मुझे रॉकी ने भेजा था, मुझे रॉकी ने सुपारी दी थी, मुझे कुछ नहीं मालूम, सच्ची मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे तो रॉकी ने सुपारी दी थी, सच्ची कसम से। यही वो हाथ है ना जो एक मासूम बेबस लड़की को जलाने के लिए उठा था, इस हाथ को कट जाना चाहिए। दूसरे को देख के इतना टेंशन में क्यों जाते हो? क्या बात है, बोलना। सुनना चाहते हो? ये मेरी मां का कातिल है। आओ पूजा। देखो पूजा, यही मकान मेरी प्रॉपर्टी है। आओ, ये मकान पहले मेरी मां को उनके पिताजी ने दिया था। अब ये मेरा है और तुम्हारा भी। ये मकान मैंने किराए पे दिया हुआ था, जिससे मेरे कॉलेज और हॉस्टल दोनों का खर्च निकल जाता था। लेकिन अभी तो कोई किराएदार नहीं है। दो दिन पहले तक तो थे, मगर जिस दिन हमारी शादी की बात पक्की हुई, मैंने उसी दिन आकर उन्हें कह दिया कि देखो भैया, अब आप ये मकान खाली कर दीजिए। बेचारे शरीफ थे,
चले गए। अच्छा, उनको इतनी जल्दी दूसरा मकान मिल गया? पैसे से क्या नहीं मिलता, सिर्फ प्यार नहीं मिलता।
इंस्पेक्टर बोगले। गुड मॉर्निंग सर। गाड़ी में बैठो। जी आओ। चलो ड्राइवर। कहाँ जा रहे थे? घर। तुम्हारे एरिया में कुछ लड़कों ने कॉलेज में एक लड़की को जलाने की कोशिश की थी, क्या वो पकड़े गए? अगर वो लोग मुझे मिल जाएं, तो मैं उन्हें गोली मार दूं। मगर अभी तक ये पता नहीं चल सका कि वो लोग हैं कहाँ। मैं बताता हूँ। आओ इंस्पेक्टर। रिवॉल्वर निकालो। नहीं। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। सत्य बोलो सत्य है। हरि का नाम। एक बाप से अपने बेटे की लाश आसानी से नहीं उठाई जाती। मेरा नाम शंकरा है। मैंने भी कभी इसी तरह अपने नौजवान भाई की लाश उठाई थी। उसे भी नागेश्वर ने गोली मारी थी। आपके कंधे से लाश का बोझ तो हट गया, लेकिन एक झूठ का बोझ मरते दम तक आपके कंधे पर रहेगा। कौन सा झूठ? आपने नागेश्वर के डर से पुलिस को यह झूठा बयान दिया कि रॉकी ने नशे में खुदकुशी की थी, जबकि हकीकत यह है कि इसकी मौत नागेश्वर की गोली से हुई थी। इसके अलावा मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता था। रॉकी आपका सौतेला बेटा था क्या? नहीं, रॉकी मेरा बेटा था, मेरा खून था। कैसा खून दिया गया था उसकी रगों में जो बहा दिया गया, पर आपके खून में उबाल तक नहीं आया। अगर आप सचमुच रॉकी के असली बाप है तो कसम खाइए कि नागेश्वर से एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। अच्छा हुआ बेटे तुमने त्रिशूल को नीचे नहीं गिरने दिया, वरना इसका अपमान हो जाता। मैं उनमें से नहीं जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर डालते हूं। बेटे इन्होंने अपने लिए नहीं, मंदिर की मर्यादा की रक्षा के लिए त्रिशूल चलाया था। जो मां को ना समझ पाया हो वो मर्यादा क्या समझेगा। इतनी मर्यादा तो मैं जरूर समझता हूं कि खून लगा हुआ त्रिशूल मां के हाथ में नहीं रखना चाहिए। ये सच कह रहे हैं बेटा। खून बहाने वालों से खून अच्छी तरह पोंछा नहीं जाता। ये देखिए। ये लीजिए पंडित जी। अजय
हमें आने में जरा देर। इसमें हमारा दोष नहीं है, हम वक्त के पक्के हैं। सारा कसूर इस लड़की का है, ड्रेस सिलेक्ट करने में आधा घंटा लगा दिया। कल तुमसे मिलने के बाद मैंने पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लिया था। आज 12 तारीख है, 17 तारीख को तुम दोनों की शादी पक्की। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। गुजर जाना है।
अजय का ही घर है। क्या अजय देर से आ रहा है? नहीं नहीं, आप अजय से कहिए कि मैं और गोपाल उनका इंतजार कर रहे हैं। ओके गोपाल, 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 हेल्प, हेल्प, गोपाल। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है। गाड़ी का नंबर है MMU 3320। आप जल्दी से कुछ कीजिए। गणपत जी साहब, इसकी रिपोर्ट लिख लो। लिखता हूँ साहब। सर, रिपोर्ट तो बाद में भी लिखी जा सकती है। ए, हमको कानून मत सिखा। और ये सुर है ना, इसे नीचे करके बात कर। सॉरी सर, लेकिन आप देर मत कीजिए, जल्दी चलिए प्लीज। यहाँ पहले रिपोर्ट दर्ज होती है, फिर एक्शन लिया जाता है, समझे? कुछ पता लगा? कहां है वो? कौन ले गया है उसे? को गोद लेने के लिए तो किडनैप नहीं किया होगा ना? ऐसे काम पैसे के लिए किए जाते हैं। अगर पैसे के लिए किडनैप नहीं किया है तो उसकी एक वजह हो सकती है, दुश्मनी। तुम्हारी दुश्मनी है किसी के साथ? अरे नहीं यार, पुरानी कोई दुश्मनी है? अगर दुश्मनी भी नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे किसी चाहने वाले के किसी दुश्मन ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए
तुम्हें मोरा बनाया हो। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, समझे? गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, पिसता है, पिसता है। आने दो। आप यही चाहते थे ना कि मैं आऊं? मैं आ गया, लेकिन ये मत समझिए कि मैं झुक गया। किसी कीमत पर मैं आपके सामने नहीं झुकूंगा, जबकि मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि आपके सामने कोई जीते जी सर नहीं झुकाता तो आप उसकी गर्दन कटवा देते हैं। अरे अगर मुझे भी झुकाना था तो मेरी भी गर्दन कटवा देते, लेकिन आपने, आपने तो मेरा कलेजा निकाल लिया। आप बहुत जिद्दी हैं, जालिम हैं आप। आपने मेरे बेटे को किडनैप कराया है, और अगर आपने नहीं कराया तो आपके किसी दुश्मन ने कराया होगा, जिसके भी जिम्मेदार आप हैं। आप याद रखना, मेरे बेटे की आंख से जितने आंसू बहेंगे मेरे अंदर उतना ही बूंद बूंद बारूद भरेगा, और अगर मेरा बेटा नहीं मिला तो इस बारूद को फटने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। आज तक मैं रुका रहा, चुप रहा, आपके जुल्मों को सहता रहा, उसका इंतकाम नहीं लिया, तो सिर्फ इसीलिए कि आप मेरे बाप हैं। को ढूंढ ले। कहां? बस यूं ही सड़कों पे भटक रहा था। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो, तुम्हें जो करना हो करो, लेकिन मेरे गोपाल को मेरे पास जल्दी से ले आ जाए, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। गोपाल को ढूंढने के लिए मैं हद से गुजर जाऊंगा। तुम्हें मेरी कसम, हेलो अजय, मुझे तुम्हारा अंदाजा सही लगता है कि मेरे ही किसी दुश्मन ने हमारे गोपाल को किडनैप किया है। वो लोग मुझसे अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए तुम दोनों पर भी अटैक कर सकते हैं, इसलिए मेरी राय है कि तुम दोनों यहां मेरे पास आ जाओ। नहीं, हमारे गेस्ट आपके पास नहीं आएंगे। अजय बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मान लो कि मैंने गोपाल को दुश्मनों से छुड़ा भी लिया, लेकिन अगर इस दौरान तुम दोनों को कुछ हो गया तो क्या होगा? क्या होगा, मेरी तरह वो भी बिन मां बाप के जिलेगा? हेलो अजय बेटा, जरा ठंडे दिमाग से सोचो और मेरी बात समझने की कोशिश करो। मिस्टर नागेश्वर, हमें जो भी सहना होगा सह लेंगे, हमें अपने जख्मों के लिए आपके मरहम की जरूरत नहीं। अजय, अजय आज तक तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि नागेश्वर तुम्हारे डैडी हैं?
मैंने फोन पे सब सुन लिया है। बोलो ये बात तुमने क्यों छुपाई? मैं ये नहीं चाहता था कि तुम्हें ये मालूम हो कि मैं एक स्मगलर, गुंडे, एक हत्यारे का बेटा हूं। क्या तुम्हें मेरे प्यार पे विश्वास नहीं था? विश्वास था, मगर मैं अपनी तकदीर से डरता रहा। आज तक मेरी तकदीर मुझसे हर चीज छीनती आई है। मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं खोना चाहता था पूजा। किसी को पाने के लिए झूठ का सहारा लेना, बोलो क्या ये मोहब्बत है? जो प्यार करके भी प्यार पर पूरा विश्वास ना करे, बोलो क्या ये मोहब्बत है? ये मोहब्बत नहीं, साजिश है, साजिश। अब तो ऐसे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ एक प्यार भरी जिंदगी नहीं, एक झूठी जिंदगी गुजारी है, जिसमें प्यार नहीं, सच्चाई नहीं, विश्वास नहीं, सब झूठ था, झूठ। पूजा, छोड़ो मुझे। तुम सच क्या मानती हो? यही के नागेश्वर मेरा बाप है? हाँ हाँ, रिश्ते में वो मेरा बाप जरूर है, मगर कर्म से वो एक ऐसा नाग है जिसने मेरी सारी जिंदगी टस ली। उसने मेरे बचपन के अरमानों का गला घोट दिया, उसने मुझसे मेरी मां छीन ली। वो किसी का बाप नहीं, किसी का पति नहीं, वो हवस का पुजारी है, दौलत का पुजारी है, जिसने बड़ा आदमी बनने के लिए बड़े बड़े सपने देखे और उनको साकार करने के लिए सबसे पहले उसने मेरी मां और मेरी खुशियों का गला घोट दिया। जानती हो किस तरह? लक्ष्मी, मैं धंधे पर जा रहा हूं, मुझे पहले ही देर हो गई है, रोको मत। देखिए, हम लोग रूखे सूखे खाकर जी लेंगे, मगर आप ऐसे गलत काम मत कीजिए। लक्ष्मी, मैंने दिन रात मेहनत की, फैक्ट्री में काम करता रहा, लेकिन मिला क्या? मैं अपना घर तक नहीं बना पाया, तुम्हारे बाप के घर की छत के नीचे रह रहा हूं। मुझे भी बड़ा आदमी बनना है, मैं कीड़े मकोड़ों की जिंदगी नहीं जी सकता। मेरी बात तो सुनिए, भगवान के लिए रुक जाइए। लक्ष्मी, तुम समझती क्यों नहीं, मुझे पहले ही देर हो रही है। मैं जिन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ वो बहुत खतरनाक लोग हैं, मुझे वक्त पर पहुँचना ही पड़ेगा। सुनिए तो सही, रुक जाइए, आपको अजय की कसम। लक्ष्मी, माँ, लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या हो गया तुम्हें? लक्ष्मी, लक्ष्मी, आंखें खोलो। अजय, तुम माँ का ख्याल रखो, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। ठीक है। माँ, आंखें खोलो ना, माँ, माँ, आंखें खोलो ना। माँ, मैं अभी डैडी को देखकर आता हूँ, वो अभी आते ही होंगे। माँ, आंखें खोलो, माँ, माँ, आंखें खोलो ना। मैं डैडी अभी डॉक्टर को लाते ही होंगे। माँ, डैडी, डैडी आ जाओ ना, डैडी, डैडी आ जाओ ना। अब चलिए, माँ, डैडी अभी तक नहीं आए। माँ, अच्छा 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 बेटा, माँ, मेरे बाप ने मुझे जीते जी मार डाला। उस दिन से मैंने यह समझ लिया कि मैं अनाथ हूं। अब तुम ही बताओ पूजा, मैंने क्या झूठ बोला था? मैंने तो तुमसे यही कहा था कि मैं अनाथ हूं। बस अजय बस, अगर ये सब तुमने पहले बोला होता तो मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाती। अजय बेटा? जी अजय नहीं, मैं उनके वाइफ बोल रही हूँ। मैं अजय का डैडी नागेश्वर बोल रहा हूँ। जी, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा सुहाग और संतान सलामत रहे? बहू, एक ससुर होने के नाते मैं अब तक तुम्हें कुछ दे तो नहीं सका, लेकिन तुमसे एक भीख मांग रहा हूं, किसी तरह से अजय को समझाओ और उसे यहां ले आओ।
मैं उसकी नफरत को भी अपने सर आंखों पे रख लूंगा। जी वो कह रहे हैं हम उनके पास चले जाएं। इसका जवाब मैंने उन्हें दे दिया है। अजय क्या लगता है तुम्हें, वो इंस्पेक्टर जो हमारे घर आकर हमें दिलासा देने के बदले सेब खाता रहा, वो गोपाल को ढूंढ निकालेगा? और ना ही हम गुंडों तक पहुंच सकते हैं, हमें गोपाल कैसे मिलेगा? मेरी बात मान लो अजय, हम उनके पास चलते हैं। नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता। तुम नागेश्वर के बेटे बनकर सोचोगे तो ऐसा सचमुच हरगिज नहीं हो सकता, लेकिन गोपाल के बाप बनकर सोचो तो शायद। उसके सामने मैं घुटने नहीं टेक सकता। अजय अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे तो तुम में और तुम्हारे डैडी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा पूजा, बल्कि तुम तो उनसे और नीचे गिर जाओगे। वो इसलिए अजय कि उन्होंने तो किसी चीज की मोहब्बत में अपने बेटे का ख्याल नहीं रखा, लेकिन तुम तो अपनी नफरत के लिए अपने बेटे की बलि मत चढ़ाओ। मैं नागेश्वर के बेटे से ये नहीं कहती कि उनसे नफरत करना छोड़ दे, उनके सामने घुटने टेक दे। मैं क्यों चाहूंगी कि मेरा सुहाग जुल्म के आगे झुक जाए? मैं तो गोपाल के बाप से प्रार्थना कर रही हूँ कि वो मेरे साथ चले, जब गोपाल मिल जाएगा तो हम वापस चले आएंगे। हाँ अजय, आइए। पोते को किडनैप किया है मैं उसे बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा। मैं बहुत जिद्दी भी हूं और जालिम भी, मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्द गोपाल तुम्हारी गोद में खेलेगा। सबको शायद यह नहीं मालूम कि मेरा एक बेटा है और उसका भी एक बेटा है जिसे किसी ने किडनैप कर लिया है, और यह काम हम जैसे ही लोगों का है। याद रखो, अगर मेरा पोता मुझे नहीं मिला तो किसी के घर में कोई बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, अगर मेरा नहीं तो किसी का नहीं। That's all. अजय बेटा क्या बात है? मैं यहां नहीं रहना चाहता। क्यों? अगर चुपचाप रहकर इंतजार ही करना है तो यह काम मैं कहीं भी रहकर कर सकता हूं। तुम कहीं भी रह सकते हो मगर यहां नहीं? हां। क्यों? आपकी हर क्यों का जवाब मुझे बचपन में ले जाता है। मेरी मां की मरने की उम्र नहीं थी जब वो मरी। मुझे लगता है जैसे यहां की एक एक ईंट ने मेरी मां की एक एक सांस को चुरा लिया हो। बोलिए बोलिए, क्या यह गलत है कि इन्हीं चीजों को पाने के लिए आपने मेरी मां को तड़पता हुआ छोड़ दिया था? इसीलिए मुझे यहां की दरो दीवार से नफरत है, नफरत। अजय मुझे भी इन चीजों से बहुत नफरत है, क्योंकि इन्हें पाने की हवस में मैंने बहुत कुछ खो दिया है,
शायद तुमसे भी ज्यादा खो दिया है, शायद तुमसे भी ज्यादा कंगाल हूं मैं। ये सब बनावटी बातें हैं। अगर आपको सचमुच इनसे नफरत होती तो आप ये जगह ये जिंदगी कब की छोड़ चुके होते। ये दो नंबर की जिंदगी दूर से तो खूबसूरत नजर आई थी, उस कमल के फूल की तरह जो दलदल में खिलता है, जो भी उसे तोड़ने गया उसी दलदल में फंस गया। मैं भी उसी दलदल में फंसा हुआ था। बेटा तुम्हें पूरी बात मालूम नहीं, तुम्हारी मां को मैं बहुत चाहता था। उसकी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि वो मनहूस हालात थे जिनमें मैं जकड़ा हुआ था। उस तूफानी रात में जब मैं डॉक्टर को लाने के लिए सड़क पर टैक्सी ढूंढ रहा था, जग्गा माइकल तुम यहां क्या कर रहे हो? चलो बॉस ने बुलाया है। देखो भाई मेरी बीवी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई है, मैं डॉक्टर को लेने जा रहा हूं। अबे बीवी की फिक्र बाद में, पहले धंधा। अरे भाई मेरी बीवी जख्मी हो गई है, मुझे डॉक्टर को लेने जाना है। पकड़ लो इसे। अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे जालिमो, तुम्हें जरा भी इंसानियत नहीं क्या? फिर मैं वापस नहीं आ पाया। इन बातों के जिम्मेदार भी तो आप ही हैं। हाँ सिर्फ जिम्मेदारी होता तो कोई बात नहीं थी, मैं तो और भी बहुत कुछ हूं। अगर ये जगह फांसी का घर है तो यहां फांसी का हुक्म देने वाला जेलर भी मैं ही हूं, फांसी का फंदा भी हूं और उस फंदे पर 24 घंटे झूलने वाली लाश भी मैं ही हूं। अजय नागेश्वर के बेटे के नाते ना सही, गोपाल के बाप के नाते कुछ दिन और यहां ठहर जाओ, गोपाल के मिलते ही यहां से चले जाना और गोपाल बहुत जल्द मिल जाएगा, इसलिए कि मुजरिम मेरी नजर में आ चुका है। इस शहर का एक ही ऐसा डॉन है जो आज की मीटिंग में नहीं आया और उसका नाम है शंकरा। यह सच है कि बचपन जितना बाप के लिए तरसता है उससे कहीं ज्यादा बुढ़ापा अपनी औलाद के लिए तड़पता है। सही बात, बिल्कुल सही बात। मैं उसकी इस तड़प का फायदा उठाऊंगा। हवाई फायर तो बहुत हो गए, अब तो जमीन की जंग शुरू होगी। क्यों? मैं जानता था कि सुअर के पिल्ले का अजय के साथ जरूर कोई रिश्ता है। तो पहले बताना चाहिए था ना। तुम जैसे नेता देश को बर्बाद करने के तो बहुत प्लान बनाते हैं, लेकिन नागेश्वर को बर्बाद करने का एक भी पॉइंट नहीं दिया तुमने। कसम से तुम बहुत सुअर किस्म के नेता हो। चुप कर, सुअर की औलाद, तेरी ये गुंडागर्दी की धमकियों में आने वाला नहीं हूं मैं। चुप कर, जानता किससे बात कर रहा? तिवारी से। जाओ नागेश्वर से मिल जाओ, कोई फायदा होने वाला नहीं क्योंकि उसकी कमजोर नस अब मुझे नजर आ गई है। वो मरेगा और उसकी लाश पर खड़ा होकर मैं इस शहर का सबसे बड़ा डॉन बनूंगा। तुम लोग जाओ, शहर के चारों तरफ फैल जाओ और नागेश्वर पे नजर रखो। पूजा क्या हुआ? पूजा अजय मेरे गोपाल को ले आ जाए, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। मेरे गोपाल को ले आ जाए। इस शहर का एक ही ऐसा डॉन है जो आज की मीटिंग में नहीं आया और उसका नाम है शंकरा। गोपाल को ढूंढने Thank you.
हेलो कौन? नाग, नागेश्वर। तुम्हारा फोन। हेलो शंकरा, याद रख जहां मेरी आवाज पहुंच सकती है वहां मेरी गोली भी पहुंच सकती है। तूने मेरे खून के छींटे उड़ाए हैं, मैं तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। संग्राम, यहां से फौरन चलने की तैयारी करो। नागेश्वर और उसके साथी कभी भी यहां पहुंच सकते हैं। वाह वाह, कहां तो बोल रहा था कि उसकी लाश पे बैठ के डॉन बनूंगा और एक ही झटके में डब्बा गायब। अबे ओ शंकरा, आजकल के वही गुंडे तरक्की करते हैं जो हम जैसे कमीने नेताओं के दिमाग से चलते हैं। सादा भौंक मत कुत्ते की तरह, पता इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अरे करना कराना कुछ नहीं चाहिए, फौरन यहां से भाग जाना चाहिए और वो भी पीछे से, समझे? तिवारी ठीक है, चलो। अरे देखा, ये है हम जैसे कमीने नेताओं का कमाल, अगर वहां से नहीं भागते तो धज्जियां उड़ जाती। अरे चल भाग। डॉक्टर, आप रात भर यहीं रहेंगे? सर घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, कल सुबह तक ये चलने फिरने लगेगा। नहीं, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप लोग यहीं रहें। ओके सर। अरे चल। शंकरा के खास अड्डे पर मुझे खबर मिली है कि उसने गोपाल को वहीं छुपा के रखा हुआ है। मैं भी आपके साथ जाऊंगा। नहीं। क्यों? देखो बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक राक्षस था, उसकी जान एक चिड़िया में बंद थी। जब कभी उस चिड़िया को कोई तकलीफ होती तो वो राक्षस तड़प उठता था। अगर वो राक्षस मुझे मान लिया जाए तो वो चिड़िया तुम हो। और वैसे भी मैंने बहू को उसके सुहाग और संतान दोनों का आशीर्वाद दिया था। मैं बहू के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। एंथनी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बच्चे को ले आओ। बच्चा यहां नहीं है सर। क्या बच्चा यहां नहीं है? तो फिर कहां है बच्चा? उसे मैंने दूसरी जगह पहुंचा दिया है। क्यों? क्या यह जगह सेफ नहीं थी? यहां किसी के अटैक करने का डर था? नहीं, यहां किसी का डर नहीं था। तो फिर बच्चे को यहां से क्यों ले गए? अगर आपको गोपाल चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे साथ एक सौदा करना होगा। सौदा? तुमसे? मैं कुछ समझा नहीं। गोपाल मेरे कब्जे में है, अब वो आपको तभी मिलेगा जब आप मेरी एक शर्त मान लेंगे। ओ, तो तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो, जिसे मैं इंसान का बच्चा समझकर 20 साल तक पालता रहा वो आस्तीन का सांप निकला
जो दूध पिलाने वाले को ही डस लेता है। लानत है तुम पर। मैंने तो खैर दूध के साथ गद्दारी की है, लेकिन आप तो उनमें से हैं जो अपने खून को भी माफ नहीं करते। अगर आपकी कहानी दुनिया को मालूम हो गई तो हर एक बेटा भगवान से यही प्रार्थना करेगा कि मौत तो दे मगर आप जैसा बाप नहीं दे। धनराज बोलिए, क्या यह गलत है कि आप ही ने अपने पोते को किडनैप कराया, आप ही ने अजय के दरवाजे पर उसके कपड़े टंगवाए और आप ही ने उसके घर पे गोलियां चलवाई ताकि वो डर से आपके पास आके रहने लगे? हाँ हाँ, मैंने ये सब कुछ किया क्योंकि मुझे अपना बेटा वापस चाहिए था। आपको अपना बेटा नहीं, आपको अपना उत्तराधिकारी चाहिए जो आपके मरने के बाद आपके अंपायर को संभाल सके। अगर मैंने ऐसा चाहा भी तो बुरा क्या किया? दुनिया का हर बाप चाहता है कि उसका बेटा उसकी कुर्सी संभाले। मुझे भी तो कभी आप अपना बेटा समझते थे, फिर मुझे क्यों भूल गए? इसलिए कि मैं आपका असली बेटा नहीं। वरना बोलिए, क्या कमी है मुझमें जो आप मुझे अपने बाप डॉन नहीं बना सकते? क्या मैंने आपके साथ वफादारी नहीं की या आपके लिए खून नहीं बहाया? जब जब जरूरत पड़ी मैंने आपके लिए खून बहाया, लेकिन मैं आपका असली बेटा नहीं हूं ना, इसलिए मेरा खून भी आपकी नजरों में गटर का पानी बन गया जिसके बह जाने से किसी को कोई अफसोस नहीं होता। तुमने जितने खून बहाए हैं उससे कहीं ज्यादा मैंने अपने बेटे को खून के आंसू रुलाए हैं। पहले मैं उसका कर्ज चुकाऊंगा, डॉन मेरा बेटा ही बनेगा। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। नागेश्वर के फैसले के खिलाफ जो भी गया उसका अंजाम जानते हो? सिर्फ मुझे ही मालूम है कि इस वक्त गोपाल कहां है, इसलिए मेरा अंजाम सोचने से पहले गोपाल का अंजाम सोच लो मिस्टर नागेश्वर। धनराज, तुम्हें वो कहावत याद है ना, बिल्ली अपने बच्चे को गांव के 100 घर दिखाती है लेकिन खुद उनका पता नहीं भूल जाती। तुम गोपाल को कहां कहां छुपा सकते हो मुझे सब मालूम है, इसलिए मुझे गोपाल के अंजाम की कोई चिंता नहीं। ये अंदाज भी मैंने आप ही से सीखा है। के बावजूद तुम यहां आ गए, शायद तुम्हारे बेटे की तड़प तुम्हें यहां ले आई। नहीं डैडी, मैं आपके लिए यहां आया हूं। बेटे तो और भी पैदा हो सकते हैं मगर बाप, बाप फिर से नहीं मिल सकता। अजीब इत्तेफाक है, जब तुम मेरी बाहों में आए थे तो खून से लथपथ थे और आज जब मैं तुम्हारी बाहों में आया हूं तो मैं खून से लथपथ हूं। शायद खून के रिश्ते जब अलग होते हैं तो उनका मिलन ऐसे ही होता है। यह तो मामूली जख्म है बेटी, ऐसे नहीं रोते। देखिए ना पापा, आपका कितना खून बह गया है। बहू, एक तरह से अच्छा ही हुआ, कभी धनराज का खून मेरे लिए बहा था, आज उसने मेरा खून बहाकर अपना कर्ज वसूल कर लिया। लेकिन उसने गद्दारी क्यों की? बेटा, कुछ लोग गद्दारी इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो बहुत वफादार होते हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा गोपाल तो तुम्हें मिलेगा ही, अभी भी बहुत खून बचा है मेरे पास बहाने के लिए। पापा, वादा कीजिए अब आप फिर कभी मरने की बात नहीं करेंगे। पापा, अब हम आपको किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहते। हमें नहीं मालूम था कि आपका दिल इतना बड़ा है, आप इतने महान हैं। अगर आपकी कहानी दुनिया को मालूम हो गई तो हर एक बेटा भगवान से यही प्रार्थना करेगा
कि मौत तो दे मगर आप जैसा बाप नहीं दे। नहीं डैडी, मैं आपके लिए यहाँ आया हूँ। बेटे तो और भी पैदा हो सकते हैं मगर बाप फिर से नहीं मिल सकता। बेरहम, तूने अपने बेटे के जिगर के टुकड़े को उससे दूर कर दिया। एक माँ की ममता पर तू बिजली बनकर गिर पड़ा और वो 2 महीने का मासूम गोपाल जिसके मुंह से अभी दूध भी नहीं छूटा था तूने उसी को कुर्बानी देने के लिए चुन लिया। तू पापी है, जालिम है, खूनी है। नागेश्वर, तेरे पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं है। दुर्गा माँ, लोग तो तेरे पास वरदान मांगने आते हैं लेकिन मैं आज अपने कर्मों की सजा मांगने आया हूं। माँ, तू अपने त्रिशूल से राक्षसों का वध करती है, तुझे मां होने की सौगंध आज तू मेरा भी वध कर दे। खूंखार जानवर भी अपनी औलाद पर जुल्म नहीं ढाते लेकिन मैंने तो जुल्म ढाने की इंतहा कर दी। मैंने अपने ही बेटे के जिगर के टुकड़े को किडनैप करके उससे दूर कर दिया, उस पर गोलियां चलवाई, उसे डराया सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा मेरे पास रह सके और मैं उसका प्यार पा सकूं। लेकिन मैं ये भूल गया कि किसी का प्यार पाने के लिए बलिदान देना चाहिए। मैं तो उसकी खुशियों की बलि चढ़ाता गया, बलि चढ़ाता गया। बोलो माँ, उस नन्हे से गोपाल ने मेरा क्या बिगाड़ा था? मैंने तो निर्दयी बनकर उस फूल को भी कांटों में उलझा दिया। माँ, मुझे क्षमा नहीं करना, मुझे क्षमा नहीं करना। मेरा वध कर दो माँ, माँ मेरा वध कर दो। माँ, अगर तुमने मेरा वध नहीं किया तो मैं जहरीले नाक की तरह सर पटक पटक कर मर जाऊंगा क्योंकि ये जहर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं राक्षस हूँ, राक्षस हूँ, राक्षस हूँ, राक्षस हूँ। मैंने सब कुछ सुन लिया है। दुर्गा माँ ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, उसने आपके अंदर के राक्षस को मार डाला है। अगर वो नहीं मरता तो आपकी आंखों से आंसू नहीं बहते और ना ही ये खून बहता। सचमुच वो राक्षस मर चुका है और अब जो मेरे सामने खड़ा है वो मेरा 20 साल पहले खोया हुआ पाप है जिसे मैं दोबारा नहीं खोना चाहता। डैडी, अब रही बात गोपाल की, उसे हम दोनों मिलकर पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। इस बार मुझे माफ कर दीजिए धनराज, अब से आपको मेरी वफादारी में कोई कमी नजर नहीं आएगी। धनराज जी, हेलो धनराज जी, धनराज जी, हेलो मुझे मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, सर आइंदा ऐसा नहीं होगा सर, सर मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज सर, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गद्दार, माफ कर दीजिए सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। रुक जाइए डैडी, इसे मेरे हवाले कर दीजिए, इसका फैसला मैं करूंगा। सिर्फ एक सवाल, जिसका जवाब ना दिया तो मौत। बोल बोल धनराज ने गद्दारी क्यों की? धनराज चाहते हैं कि साहब के बाद डॉन आप नहीं वो खुद बने। तुम धनराज के पास जाओ और उसे कहो कि मुझे डॉन नहीं बनना है, वो आके डॉन की कुर्सी ले ले और मेरा बेटा वापस कर दे। जाओ जाओ। अरे हाँ, इस बात पर तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। धनराज साहब कहाँ हैं? मैं नागेश्वर साहब के घर से आ रहा हूँ, बहुत ही खुशी की बात है। क्या? अजय साहब ने धनराज साहब से यह कहने के लिए मुझे भेजा है कि डॉन उनको नहीं बनना, डॉन वो खुद बने और उनका बेटा उन्हें लौटा दें। सारा लफड़ाई खत्म, बहुत अच्छा हुआ।
अब आपस में किसी का खून नहीं बहेगा। अबे अशंका, ये तूने क्या किया? कुछ लोग गद्दार होते हुए भी वफादारी के दामन को नहीं छोड़ते। धनराज उनमें से एक है। अगर ये धनराज से मिलता तो धनराज नागेश्वर के पास चला जाता, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वाह वाह शंकरा वाह, मेरे साथ रहते रहते तुझे भी नेता जैसी चालाकी आ गई। पर एक बात सुन, धनराज भी चालाक आदमी है। हाँ, उसने बच्चे को कहीं छिपा दिया है, वरना तू तो उसे कब्जे में करके सारे खेल का नक्शा ही बदल देता। लगता है कोई आ रहा है। ये तुम्हारा वही खास आदमी है ना, जिसे तुम नागेश्वर के पास छोड़ाए थे और नागेश्वर ने इसकी लाश तुम्हें तोहफे में भेजी है। बोलो धनराज, अब इस बेजान तोहफे का क्या करोगे? सारे तू ऐसे नहीं मानेगा, नहीं तू बोलता। हराम सादे तू इसे कहता? अरे यही तो है वो जो मुझे डॉन बनाएगा। डॉन नागेश्वर, नागेश्वर बाहर निकल। खबरदार, जो किसी ने मुझ पर गोली चलाई। नहीं, कोई गोली नहीं चलाएगा। गोपाल, नागेश्वर मैं तेरी सोने की इस लंका में आग लगा दूंगा और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। इसलिए कि मेरा कवच है तेरा ये पोता और यही मेरी ढाल है। जो बच्चे को ढाल बनाते हैं वो बुजदिल होते हैं, उनमें इतनी ताकत भी नहीं होती कि वो रास्ते के पत्थर को हटा सके। और फिर मैं तो तेरे लिए पहाड़ हूं। तुम जो भी रहो लेकिन ये जंग मैं जीतूंगा। मैं आज मैंने इसे ढाल बनाया है, मैं इसकी बलि भी चढ़ा सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। जब नकली बच्चा फेंका तो ये हालत होगी, जब असली फेंकूंगा तो क्या होगा? खबरदार, जो किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की। जिंदगी का सबसे बड़ा जश्न मनाऊंगा, लेकिन क्या मालूम था कि जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आकर मेरा ख्वाब पूरा होगा। आप शर्मिंदा ना हो, आप मुझे आशीर्वाद दें। मुझे आज किसी का बेटा और किसी के बाप होने का फर्ज अदा करना है। अजय हो, अजय रहोगे। ब्रिज, अरे ब्रिज, तुम यहां सब कुछ भूल भाल कर याशी में लगे हो,
कहीं नागेश्वर ने हम पर हमला कर दिया तो? अबे चुप, चिंता मत कर, नागेश्वर तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता। गोपाल कहाँ है? उसे धनराज ने कहाँ छुपा रखा है? मुझे नहीं पता। धनराज ने उसे कहाँ छुपा रखा है? बोल। लाओ ये मुझे दे दो। अच्छे बच्चे भयानक चीजों से नहीं खेलते। When you shoot, shoot. Don't laugh. गोपाल कहाँ है? कहाँ है गोपाल? बोल गोपाल कहाँ है? कहाँ है गोपाल? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम, नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। बता दो, बता, श्री श्री शक्ति मिल में वो कमीना चक्र भी वही है और गोपाल भी वही है। श्री शक्ति मिल में मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
जाओ। मुझे मालूम है कि तुम्हारी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम दोनों इस मोड़ पर आ जाएंगे। तुम्हारे अंदर नागेश्वर का खून है तो मेरे अंदर उसका नमक। खून से नमक नहीं जीतता, लेकिन आज बाजी पलट चुकी है। मरने के लिए तैयार हो जा। धोखा? धोखा नहीं, अदा। कुछ अदाएं ऐसी होती हैं जो खून सिर्फ खून को सिखाता है। यह अदा तुम डैडी से नहीं सीख पाए। गोपाल कहाँ है? जल्दी बताओ गोपाल कहाँ है? ऊपर। उसे कमीना शंकरा मार देगा। अजय प्लीज, डैडी से कहना कि मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। गोपाल, 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 नागेश्वर। नागेश्वर तू वही है ना जिसने एक झटके में जैसे चाहा मौत दे दी? आज मौत का व्यापारी जिंदगी का चौकीदार बन गया। आज तुझे यह पता चल ही गया होगा कि खून की तड़प क्या होती है। मैं तुझे अभी और तड़पाऊंगा और तू कुत्ते धनराज की तरह बेवकूफ नहीं हूं जो दुश्मनी के बाद भी वफादारी की थाली चाटता रहा। मैं उनमें से हूं जो एक एक करके अपनी दुश्मनी का हिसाब सूद के साथ वसूल करते हैं। तूने मेरे भाई को खत्म किया था ना, मैं तेरी पूरी नस्ल ही मिटा दूंगा। नहीं, नहीं शंकरा, ऐसा मत करो। मेरे पोते को नहीं मारो शंकरा। मेरे गोपाल को मत मारो, मेरे गोपाल को मत मारो शंकरा। गोपाल, मेरे बच्चे। तेरा दादू हो रे दादू, तू बहु अजय की तरह दिखता है रे तू तो। अरे वही आंखें, वही नाक, वही फूल की पंखड़ियों जैसे होठ। ना ना ना, रोना नहीं मेरे लाल, मेरे गोपाल, रोना नहीं। अपने पोते के प्यार में तुम अपनी मौत को भी भूल गए? मेरा शुक्रिया अदा करो। तुम दोनों साथ साथ जी तो नहीं सके, लेकिन मेरी वजह से साथ साथ मरने का सौभाग्य जरूर प्राप्त कर लोगे। गोपाल,
अजय, 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 अजय! जो तुम आ गई, ये लो अपनी अमानत संभालो। क्या हो गया अजय? अजय देखो ना पापा को क्या हो गया। आज एक डॉन की मौत होगी, एक बाप के लिए तो बहुत खुशी का मौका है पापा, कि आज वो दो पल के लिए अपने पूरे परिवार के साथ जी रहा है। पहली बार प्यार के दो पल भी बहुत होते हैं डैडी, बहुत। अजय, तुम्हें डॉन का लिबास नागेश्वर डॉन ने पहनाया था, अब तुम्हें एक बाप इल्तजा कर रहा है कि ऐसी कत्ल और खून से भरी हुई जिंदगी फिर कभी नहीं जियोगे। मुझसे वादा करो बेटा। हाँ डैडी, मैं वादा करता हूं। डैडी, बहू, कभी तुम्हारा सिंदूर भीगा ना पड़े। ओ, मेरे पास आओ बच्चों।